वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 अकाउंटेंसी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन है अंजू एंड मंजू। अंजू एंड मंजू एक फर्म है, 3:2 के साझी हैं। उन्होंने रुचि को 1/5 भाग के लिए साझी बनाया तो उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन, अंजू एंड मंजू एक फर्म है, साझेदार, तो अंजू एंड मंजू आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। अंजू एंड मंजू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशो इज 3:2 एंड दे एडमिट रुचि एज ए पार्टनर, रेशो 1:5। देन फाइंड देयर न्यू रेशो। क्वेश्चन, अंजू और मंजू एक फॉर्म में तीन अनुपात को में साझेदार, तीन अनुपात दो के साझेदार साझेदार उन्होंने रुचि को 1/5 भाग देकर साझेदार बनाया। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इसे जब हल करेंगे तो पहले क्वेश्चन को एग्जैक्ट समझ लें। हम अंजू एंड मंजू आर पार्टनर्स इन 3:2, पार्टनर इन अ फर्म, रेशो 3:2। दे एडमिट रुचि एज अ पार्टनर, रेशो 1:5 एंड फाइंड आउट देयर न्यू रेशो, व्हाट विल बी देयर न्यू रेशो। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आपको जब इसे आप सॉल्व करें तो फर्स्ट नंबर आपको इसमें देखना है, माना कि फर्म का कुल लाभ यहाँ पर हो जाएगा, माना कि फर्म का कुल लाभ, माना कि फर्म का कुल लाभांश। हमेशा आपको इसको जब न्यू पार्टनर का आपको शेयर दिया हो कितने पार्ट के लिए आ रहा है और ओल्ड पार्टनर्स का रेशो दिया, लेकिन ये नहीं दिया कि न्यू पार्टनर किससे कितना पार्ट लेगा, तो ऐसे केस में आपको मानना है, माना कि फर्म का कुल लाभांश बराबर मान लेंगे।
लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्मर इज इक्वल टू वन और सेस एक बटे पांच भाग के लिए रुचि को दिया गया तो सेस लाभांश। अब यहां पर आ जाएगा सेस लाभांश, रिमेनिंग प्रॉफिट या बैलेंस प्रॉफिट के लिए क्या होगा, वन माइनस वन अपॉन फाइव, क्योंकि रुचि का शेयर इसमें वन अपॉन फाइव, तो वन अपॉन फाइव या बोल सकते हैं एक बटे पांच भाग रुचि को दिया दिया तो शेष लाभांश बराबर यहां हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन फाइव, ठीक है कुछ नहीं वन। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि वन एलसीएम लेते हैं वन ऑफ फाइव का फाइव, तो यहाँ आ जाएगा फाइव माइनस वन, तो रिमेनिंग जो होगा वो होगा फोर अपॉन फाइव, शेष लाभांश फोर अपॉन फाइव। अब आपको इसका करना क्या है, न्यू शेयर अंडू का है, आपका अंडू का नया अनुपात, तो आपका जो शेष लाभांश यहां आपको करना है शेष लाभांश मल्टीप्लाई बाय अंडू का भाग, अंडू का पुराना ऐसे केस में इसका जो लाभांश निकलेगा वो क्या होगा, शेष है फोर अपॉन फाइव और अंजू का जो शेयर आपको दिया थ्री और अपॉन में आ जाएगा इनका टोटल थ्री अपॉन फाइव, तो अंजू का नया जो भाग होगा वो होगा चार तीना बारह बटे में इतना पच्चीस। ऐसे ही आपको देखना है मंजू का लाभांश, मंजू का नया हिस्सा बराबर वापिस चार बटे पांच। अब मंजू का हिस्सा आपको दिया है कितना दो बटे में टोटल कितना पांच, तो आ जाएगा चार दूनी आठ बटे में कितना पच्चीस, ये आपका आ गया मंजू का। और फिर लास्ट आ जाएगा रुचि का लाभ, रुचि का नया अनुपात। तो रुचि का जो शेयर है वो कितने शेयर के लिए आए, वन अपॉइंट फाइव के लिए। आपको यहाँ क्या करना है, इसका डेनोमिनेटर सेम बनाना है, तो डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसके हिस्से में आप ऊपर नीचे फाइव बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव। तो दोस्तों आंसर होगा नया अनुपात बराबर ऊपर ऊपर के नंबर लिखो, न्यूमरेटर ट्वेल्व इसका एट और इसका फाइव, तो ये आपका आंसर होगा। दोस्तों
कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।